General Building Section. I, Anu Mathur, lecturer, Government Women's Polytechnic, Sanganer. In continuation of my earlier lecture of Building Section, today I am going to explain in detail about some of the structural part of the section. Here we are going to study mainly about two structures which we generally lay in the building structure. We study about it. One is the DPC and the second is the earth filling and the flooring part. Now to revise a bit, let's start with the foundation part. This is basically the substructure part of the building. So when we talk about the substructure below the ground is the foundation, which we have earlier also studied in the lecture. Like, we excavate the ground up to a certain depth, that is normally 3 feet to 3 feet 6 inches, and in a width of 3 feet, which is very much common, and it varies according to the design. After excavating, like इसको इस तरह का गड्ढा बनाने के बाद, खोदने के बाद, लेआउट के हिसाब से हम सबसे पहले उसके अंदर एक 6 इंच का लीन कंक्रीट का मिक्स से एक बेड तैयार करते हैं, जो कि 1:4:8 के सीमेंट सैंड और ग्रिट के कंक्रीट मिक्स से रेडी होता है. इस बेड को ले करने के बाद, इसकी क्योरिंग करने के बाद, हम फाउंडेशन फुटिंग स्टाइल में स्टेप फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ फुटिंग्स हम रेडी करते हैं, जो कि हम ब्रिक और स्टोन दोनों में कर सकते हैं. इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जो लीन कंक्रीट का बेड हमने तैयार किया है, यहाँ पे हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के हिसाब से एंटी टर्माइट मटीरियल्स का स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि ग्राउंड से अंडर द ग्राउंड अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके एरिया में है या बिल्डिंग में है, तो वो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करते हैं. इस तरह से हम बनाते हुए हमारी फाउंडेशन को हम प्लिंथ तक ले आते हैं. अब जो हमको स्टडी इस सेक्शन में करना है, वो डिटेल है हमारी और हमारी फ्लोरिंग की. ये इधर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज़ विद इन द रूम एंड दिस इज़ द वॉल एंड आउटसाइड इज़ द प्लिंथ. नाउ व्हेन वी सी द फ्लोरिंग पार्ट, हम फ्लोरिंग तैयार करने के लिए हमारा जो फाउंडेशन ग्राउंड और प्लिंथ के बीच का जो हमारा गैप है, वो हम फिल करते हैं. किस तरह से फिलिंग करते हैं और फ्लोरिंग तक लेके आते हैं, ये हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम उस ग्राउंड में ये जो हमने गड्ढा खोदा था, इसमें अर्थ फिल कर देते हैं. अर्थ फिल करने के बाद उसे वेल कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ताकि हमें हमारा एक बेस मिल जाए हमारी फ्लोरिंग को रेडी करने के लिए. तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये सब फ्लोर का पार्ट होता है, जो कि मेन फ्लोरिंग के नीचे रेडी किया जाता है. तो सब फ्लोर रेडी करने में सबसे पहले हमें अर्थ को फिल और कॉम्पैक्ट करना पड़ता है. उसके बाद उसके ऊपर हम 6 इंच थिक सोलिंग डालते हैं, जो कि ब्रिक बैट्स और बोल्डर्स की होती है. ये 6 इंच थिक हम बैट्स और ब्रिक बैट्स और बोल्डर स्टोन बोल्डर्स का एक मिक्स हम इसके ऊपर ले कर देते हैं 6 इंच की थिकनेस में. फिर इसको भी हम अच्छे से रैम करते हैं और कॉम्पैक्ट कर देते हैं. उसके बाद हम सब फ्लोर में 3 इंच थिक PCC डालते हैं, यानी प्री कास्ट कॉन्क्रीट मिक्स जो है वो 3 इंच थिकनेस के अंदर हम रेडी करते हैं, जो कि नॉर्मली 1:3:6 के कंक्रीट मिक्स में रेडी किया जाता है. यहाँ पे प्रयोग में लाने वाली ग्रिट जो है वो हमारी नॉर्मली 12 mm की या 20 mm का मिक्स ग्रिट जो है वो हम काम में ले लेते हैं, और कंक्रीट मिक्स जो है वो 1:3:6 का होता है, और थिकनेस इस प्रीकास्ट कंक्रीट की 3 इंच होती है. इस 3 इंच कंक्रीट थिक के साथ साथ भी हम यहाँ पे भी हम हमारी बिल्डिंग को सेफ करने के लिए या फ्लोर को सेफ करने के लिए हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी तो नहीं है, पर स्टिल प्रिवेंटिव उस तौर पे हम इसको ले कर सकते हैं. उसके बाद उसके ऊपर हम अपनी 2 इंच थिक फ्लोर फिनिश जो है वो हम ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर्टार, जो कि हमारा 1:3 या 1:4 के रेशो में मोर्टार होता है सीमेंट सैंड का, और हमारी फ्लोर जो है वो फिनिश फॉर्म में ले हो जाती है. इस फ्लोर फिनिश का लेवल हम, सिंस ये डोर के थ्रू वाला सेक्शन हमको दिख रहा है,
तो हमारा 2 इंच का थिक जो हम सॉरी ये विंडो वाला है जहाँ पे हमको डोर नहीं दिखता, उस जगह पे हम वॉल के नीचे हम 2 इंच थिक डीपीसी डालते हैं। ये यहाँ पे हमारी जो फाउंडेशन से ऊपर आने वाले मॉइस्चर को ये यहाँ पे रोक के रखती है। तो ये जो फिनिश है ये हमारी 2 इंच थिक डीपीसी और फ्लोर फिनिश हम एक ही लेवल पे लाके मैच करा देते हैं। तो ये डीपीसी की थिकनेस का जो डिटेल है वो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, और जो कि हमारा 2 इंच थिक फ्लोर फिनिश के साथ में एक लेवल में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो फ्लोरिंग का जो डिटेल है, जो फ्लोरिंग का सब बेस और मेन जो फ्लोर है वो हम किस तरह से रेडी करते हैं, इस डिटेल में हमको वो देखने को मिल रहा है। और एक जो डीपीसी जो ले की जाती है यानी डैम प्रूफ कोर्स जो डाला जाता है वॉल्स के नीचे नीचे, उसकी जो डिटेल है वो भी हम यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्लोरिंग का डिटेल और डीपीसी का डिटेल जो है वो इस सेक्शन में कवर हो रहा है।